साहस सरोकार। कॉलेज अस्पताल में दिखी बड़ी लापरवाही, 24 घंटे से बंद पड़ी सिटी स्कैन मशीन। बिहार में कलेक्ट्रेट पहुंची सैकड़ों महिलाएं, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बीजापुर में तेंदुपत्ता संग्राहकों ने किया प्रदर्शन, वेतन भुगतान ना करने को लेकर किया विरोध। दंतेवाड़ा में ग्रामीणों का जमकर फूटा गुस्सा, निजी कंपनी पर लगाया प्रदूषण फैलाने का आरोप। कोबरा में घर में घुसा कोबरा, परिवार के लोगों में मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं उषा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। सरगुजा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल आए दिन अपने कर्मचारियों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मरीज के परिजन दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पिछले 24 घंटे से सिटी स्कैन मशीन बंद पड़ी हुई है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इमरजेंसी व्यवस्था के लिए जनरेटर उपलब्ध कराया गया है, लेकिन जनरेटर का पैनल भी खराब पड़ा है। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था ऐसी होगी तो व्यवस्था सुविधा कैसी हो सकती है? इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के चलते मरीजों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है। यहाँ वहाँ जाना पड़ा तो ढूंढो कहाँ है, नहीं हम लोगों को नहीं मालूम कोई सहयोग करने वाला। यहाँ के स्टाफ का व्यवहार कैसा है? व्यवहार तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेचर का ही कमी है। और सिटी स्कैन हो रहा है? सिटी स्कैन अभी नहीं हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हुआ है तो अभी लाइट नहीं है, तो अभी टाइम लगेगा। तो इतने बड़े अस्पताल आए हैं अब जी, और यहाँ लाइट नहीं, कैसा देखते हैं इसको? परेशानी है, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, लाइट इंतजार करेंगे, लाइट का इंतजार करेंगे। सिटी स्कैन कराना था मदर का, क्या वो यहाँ? यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, आज नहीं हो पाएगा। बोल तो आप लोग कहाँ से आए? कुनकुरी ब्लॉक से आए हैं, काफ़ी दूर से गाड़ी बुकिंग करके आए। तो अब क्या करेंगे? अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करेंगे? कुछ ऐसा बाहर से करवाएं तो भी बोल रहे हैं। हाँ, अभी तो यहाँ नहीं हो पाएगा, बोले लाइट नहीं है, बोले हाँ डॉक्टर बोला था यहाँ से करा ले, लाइट का प्रॉब्लम है। ये हम अंबिकापुर जिला अस्पताल में, क्या कराने हैं? सिटी के लिए पता करने आया था, तो यहाँ नहीं हो रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, बोल रहे हैं लाइट गोल है तो नहीं हो पा रहा है ऐसे करके। तो आप क्या करेंगे? अब उसका कोई समाधान ही नहीं है, यहाँ तो बाहर से कराने में तो खर्च ही काफ़ी ज़्यादा आता है। क्या लगता है कि मेडिकल अस्पताल है ये, यहाँ जल्द से जल्द ये व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए? नहीं, मेडिकल कॉलेज ऐसे है तो यहाँ सारा चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए, पर इस टाइप का तो नहीं है। अब उसके लिए तो बाहर जाना पड़ सकता है। सिटी का कुछ पैनल में खराबी आ गई है और उसका सामान रायपुर से मंगवाया जा रहा है, लेकिन मीनवाइल अगर जब तक रायपुर से आएगा उससे पहले हमने यहाँ लोकल इलेक्ट्रिशियन एक इंजीनियर को बुलाया है, वो उसको देख रहा है। अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक घंटे के अंदर वो बनाएगा उसको। सर अधिकतर मशीन में खराबी आती है क्या? सिटी स्कैन मशीन में तो अभी पिछले 3 महीने से जब से मैंने चार्ज लिया है अभी तक तो खराबी नहीं आई है। तो क्या लगता है सर, मशीन में खराबी है कि सप्लाई में खराबी है? अभी इलेक्ट्रिक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जय इक्का जुड़ चुके हैं। तो जय, ये पहले ही मामला नहीं है इस अस्पताल में, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, क्या कुछ कहना है इस पे? ये अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये मामला है, मतलब जो कि यहाँ पे लाइट की सुविधा अभी शॉर्ट सर्किट से लाइट गोल हो गई है, जनरेटर में भी जो जनरेटर भी बंद पड़ी हुई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, जो कि दूसरे अस्पताल में जाकर सीटी स्कैन ये सब करवाना पड़ रहा है। तो प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही है इसको? अभी तक तो कुछ भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अब देखना होगा कब तक ये कर पाती है। आज ये तीसरा दिन होने जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद जय का।
कोरबा में हुई बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है, तो वहीं बारिश एक परिवार के लिए आफत भी बन गया है। बता दें कि बारिश के बाद एक घर में कोबरा घुस गया, जिसके बाद परिवार कई घंटों तक बंधक बनकर एक कमरे में बैठा रहा। पूरा मामला कोरबा के दादर खुर्द का है। बताया जा रहा है कि परिवार की एक महिला खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी निगाह अचानक एक कोबरा पर पड़ी जो घर में रेंग रहा था। रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध सर्वशक्ति पीठ माँ बंजारी धाम तराई माल में नवरात्रि को लेकर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने सब परिवार माँ बंजारी देवी की पूजा अर्चना कर परिवार और रायगढ़ जिले वासियों के सुख शांति समृद्धियों और सर्वांगीण विकास के लिए प्रार्थना की। साथ ही मंदिर समिति ने मंदिर के इतिहास मान्यता दीप प्रज्वलन मानचित्र युक्त जलाशय में रंगीन मछलियों और कलाकृति नवनिर्माण के संबंध में बताया और नवरात्र के लिए तैयारियों की जानकारी लेते हुए बेहतर व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। जांजगीर चांपा के पीथमपुर गांव में मेले में दो युवकों पर दुकानदार के बेटे ने चाकू से हमला कर दिया। जी आपको बता दें कि एक युवक के पेट पर चाकू लग गया और एक युवक बीच बचाव करते हुए घायल हो गया, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में दुकान संचालक और उसके बेटे के खिलाफ सिटी कोतवाली जांजगीर में IPC की ओर आर्म्स एक्ट की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। खरीदार के बीच में झगड़ा लड़ाई हुआ है, जिस पर से दुकानदार के बेटा ने दो व्यक्तियों को चाकू से हमला किया, जिसमें से एक व्यक्ति नीरज बैस के हाथ में और सैलन बैस के हाथ में और सॉरी नीरज बैस के पेट में चाकू लगने से उसको बेहतर इलाज हेतु फोर्स के माध्यम से और परिजन के माध्यम से जिला अस्पताल लेकर आया है। अस्पताल में उसका उचित इलाज किया जा रहा है। उचित इलाज करने के बाद डॉक्टर द्वारा उसको बेहतर इलाज हेतु रेफ़र किया गया है। जगदलपुर में जनपद पंचायत तोकापाल में आदिवासी समुदाय और ईसाई समुदाय में टकराव जारी है। बता दें कि भेजरी पदर ग्राम में ईसाई समुदाय की एक महिला सदस्य की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद महिलाओं के शव को गांव में स्थित शमशान घाट में दफनाने को लेकर विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतिका का नाम माते बेको है, जिन्हें मृत्यु के बाद परिजन शमशान घाट में दफनाने पहुंचे थे, जिसके बाद से ही आदिवासी समुदाय और ईसाई समुदाय के बीच परंपराओं को लेकर विवाद प्रारंभ हो गया है। बता दें कि इस गांव में ईसाई समुदाय और आदिवासी समुदाय के बीच में विवाद की ये पहली घटना है। लोगों को या भारतीय नागरिक होने के नाते उनका संवैधानिक अधिकार क्यों हनन किया जा रहा है? अगर ये गलत नहीं होता तो हुए नारायणपुर वाले मसले में हाईकोर्ट ने हमें निर्णय जो है हमारे पक्ष में दिया। अगर ये गलत नहीं होता तो कोंडागांव के अमरावती में जो 17-18 घर तोड़े वहां का दफन विधि में समस्या आया था, वहां भी हाईकोर्ट ने हमें निर्णय में फैसला में भारतीय संविधान के अनुसार हक अधिकार में दिया। जगदलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने टीम गठित कर थाना बोधघाट जगदलपुर ने पेशेवर ऑनलाइन ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ठगी करने वाला आरोपी लोगों को लिंक भेजकर एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाकर डेबिट कार्ड का नंबर पूछकर OTP प्राप्त करता था और सिम बदलकर ऑनलाइन ठगी का काम किया करता था। तो वहीं आरोपी से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल सिम जब्त कर लिए गए हैं। जगदलपुर में कोतवाली पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि बोरगांव उड़ीसा से जगदलपुर की ओर अवैध गांजा का परिवहन किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर घेराबंदी कर एक मोटरसाइकिल को रोक लिया गया। बता दें कि मोटरसाइकिल में बैठे 2 संदिग्ध को कब्जे से 10 किलोग्राम अवैध गांजा मिलने पर जब्त कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बोरगांव उड़ीसा से जगदलपुर की ओर अवैध गांजे का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर आसना छेपड़ागुड़ा चौक में कोतवाली पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर एक मोटरसाइकिल को रोका गया। मोटरसाइकिल में बैठे हुए 2 संदेहियों से पूछताछ की गई।
पूछताछ के दौरान दोनों के संयुक्त कब्जे से 10 किलोग्राम अवैध गांजा मिलने पर उसे विधि जगदलपुर में बिहान समूह के समस्त महिला सदस्यों ने आंदोलन किया। साथ ही समूह के सभी सदस्यों के द्वारा मानदेय बढ़ाने की भी मांग की गई। तो वहीं मानदेय बढ़ाने को लेकर महिलाओं ने जिला पंचायत का भी घेराव किया है। लेकिन 2017 से हम जितने भी योजनाएं आई हैं, हम पूरे कार्य में सहयोग करते हैं सरकार का, लेकिन हमारे मानदेय अभी से लेकर 2017 से लेकर अभी तक मात्र 5,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जो हमारा घर परिवार नहीं चल पाता है। ना हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, ना लिखा नहीं सकते। तो हमारे बस इतने से है सरकार से कि हमारे मानदेय बढ़ा दो। नियुक्त तो होना तो बाद की बात है, बस हमारे मानदेय बढ़ा दो। इससे पहले भी आप लोग कभी आंदोलन किए क्या? नहीं, अभी सालों से अपने मानदेय बढ़ाने के लिए ज्ञापन सौंपते रहे हैं, और हम लोग इस ज्ञापन को शासन स्तर पे प्रेषित भी किए हैं। 2017 से इनकी मांगे चल रही थी कि मानदेय बढ़ाया जाए। अभी भी वही मांगे हैं कुछ बिहार समूह की, हमारे मानदेय बढ़ाया जाए। तो हम लोग इसे ज्ञापन को बना करके शासन को आवश्यक कराते तो प्रेषित कर दिए। सर बताया जाए कि रायपुर भी गए थे हम लोग, रायपुर की बातें भी आपके सामने आए हैं, वहाँ पे क्या कुछ चर्चा? इनको पूरे स्टेट लेवल पे इनका समूह। दंतेवाड़ा जिला के एक गांव में एक निजी कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का जमकर गुस्सा फूटा। वहीं गांव वालों का कहना है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के कंपनी गांव में ही वेस्ट मटेरियल डंप करवा रही है, जिससे गांव में प्रदूषण फैल रहा है, साथ ही भूमि की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। इस विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन भी किया। घर यहाँ पे है, पूरे देखा जाए पूरे पंचायत में 1522 जनसंख्या है पूरे पंचायत में, और यहाँ प्रस्ताव जो बनाया गया वो भी फर्जी है। और यहाँ जब प्रस्ताव किया गया सुबह के टाइम प्रस्ताव किया गया, और वो भी सुबह 8 बजे के समय। किस टाइप से परेशानी आ रही है जो यहाँ पे बहुत धूल उड़ रहा है सर, और धूल रही बात अलग, और साथ में वो डस्ट जब यहाँ पे पानी के साथ पूरा खेत में बह के जाएगा तो हम लोग को कमाने के लायक कोई खेत नहीं बचेगा। यहाँ पर सर मित्तल कंपनी वाले ना लाल मिट्टी यहाँ पर ला के डंप कर रहे हैं, उसको विरोध करने के लिए गांव के लोग यहाँ पर रोड में बैठे हैं हमेशा, इसको बंद करने की बात रख के। तो क्या यह ग्राम सभा में प्रस्ताव हो के लाल मिट्टी डंप करना नहीं चालू हुआ था क्या? सर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ना सब फर्जी बना कर इन लोगों को बैला पुसका कर झूठ बोलकर दूसरा काम कराने का बात रखकर इन लोगों ने बनवा कर दस्तखत कराए, और इस काम को आगे बढ़ा के यहाँ पर माल डंप करना। बीजापुर जिले के नीलसनार में चक्का जाम प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि ये प्रदर्शन पिछले एक साल से जिले के तेंदू पत्ता संग्रह को और माल ढुलाई करने वाले मजदूरों को उनका भुगतान वन विभाग द्वारा नहीं करने के कारण किया जा रहा है। इस अत्याचार के खिलाफ बीजापुर जिले के NH-63 में पीड़ितों और भाजपा कार्यकर्ताओं संग चक्का जाम रहा। चक्का जाम के बाद एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें संग्राहकों के लंबित भुगतान को अविलंब करने की मांग की गई है। बिहार में कार्यरत सक्रिय महिला आरबी के FLCRP बैंक मित्र कृषि सखी पशु सखी और PRP की सैकड़ों महिलाएं 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टोरेट पहुंची और कलेक्टर जिला पंचायत CEO को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि जिले में बिहान को 1162 महिलाएं विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। बिहान की महिलाओं का कहना है कि उनकी 4 सूत्रीय मांग है नियुक्ति प्रमाण पत्र, नियमितीकरण, मानदेय में वृद्धि और हर महीने नियमित मानदेय दिया जाए। हमारी 4 सूत्रीय मांग है सर, जिनको हम लोग लेके इकट्ठा हुए हैं, जो अपना विज्ञापन है उसको कलेक्टर महोदय को और जिला CEO सर को सौंपना चाहते हैं। क्या मांगे हम? हमारा है पहले हमारा नियुक्ति प्रमाण पत्र, और दूसरा है नियमितीकरण का, और तीसरा है मानदेय वृद्धि का, और चौथा है सही समय में हर माह हम लोग को मानदेय मिलना चाहिए सर। इससे क्या तकलीफ होगी आप लोगों को?
हम लोग को हर मानदेय नहीं मिलता सर, इसलिए हम लोग को फिल्टर करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हम लोग 7 पंचायत का फिल्टर करते हैं और वहाँ के हर एक एक समूह को गठन से लेकर उसको पूरा जब तक वो सशक्त न। अंबिकापुर के शंकर घाट के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, तो वहीं इस हादसे में एक की मौत हो गई है। बता दें कि अंबिकापुर से बलरामपुर सड़क मार्ग शंकर घाट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार लड़के समेत 2 लड़की को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहाँ एक लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य लड़कियां जो गंभीर हालत में थी उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि 3 कॉलेज की परीक्षा देकर जा रहे थे। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में पेट्रोल पंप में एक युवक ईंधन डलवाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, तभी उसकी गाड़ी स्टार्ट होकर उछल गई और वहां मौजूद एटीएम बूथ पर जा घुसी। हालांकि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है, तो वहीं गाड़ी कैसे कूदी और इतने स्पीड में कैसे एटीएम बूथ पर जा घुसी है, ये लोगों को हैरान कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।